एक और बड़ा एनकाउंटर, पुलिस ने दो बदमाशों को किया ढेर, क्या इस पर भी मचेगा अतीक जैसा हंगामा। दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जनता को सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए लगातार अपराधियों पर नकेल कस रही है, ये बीजेपी नेताओं का कहना है। इसी क्रम में अब राज्य में एक और बड़ा एनकाउंटर हुआ है। आपको बता दें, जालौन में पुलिस ने एक साथ दो अपराधियों को ढेर कर दिया है। दरअसल ये दोनों बदमाश 4 दिन पहले गश्त कर रहे सिपाही बहजीत की हत्या कर फरार हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने खोजकर आज रविवार को ढेर कर दिया। अपने सिपाही की हत्या को पुलिस ने चुनौती के रूप में लिया था और 3 टीमें अपराधियों की तलाश में लगा दी थी। इसी बीच रविवार को पुलिस को जालौन में ही फैक्ट्री एरिया में बदमाशों के मौजूद होने का पता चला। इसके बाद 2 बदमाशों की घेरबंदी हुई। जब पुलिस ने दोनों को पकड़ने का प्रयास किया तो अपराधियों ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों बदमाशों को गोली लगी। दोनों को अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों की मृत घोषित कर दिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों एक और जघन्य वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। दोनों अपराधियों की शिनाख्त कल्लू निवासी रहिया और रमेश निवासी सरसोखी के रूप में की गई है। बता दें कि हाईवे की पुलिस चौकी ड्यूटी के दौरान सिपाही की गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। बदमाशों को जल्द पकड़ना पुलिस विभाग के लिए चुनौती बन गया था। आईजी व डीआईजी की निगरानी में बदमाशों को घेरे जाने का अभियान बीते 4 दिन से चल रहा था। पुलिस अधीक्षक एसपी के नेतृत्व में 3 टीमों को लगाया गया था। पुलिस हाईवे के सभी ढाबों और होटलों पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को लेकर अपराधियों के पीछे लगी थी। वारदात के बाद एडीजी आलोक सिंह व आईजी जोगेंद्र सिंह पूरे दिन मौके पर तैनात रहे और एसपी डॉक्टर इरज राजा की अगुवाई में बदमाशों की धरपकड़ में लगी सभी टीमों ने पल पल की जानकारी लेते रहे। आपको बता दें, यूपी में समाजवादी पार्टी सपा के पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद के बाद भी एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें गैंगस्टर अनिल दुजाना का नाम प्रमुख है, लेकिन कोई हंगामा नहीं मचा। आपको बता दें, अल्पसंख्यकों को भड़काने का काफ़ी प्रयास किया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि बंगाल में अतीक के सम्मान में कैंडल मार्च निकला था और बिहार में जुमे की नमाज के बाद अतीक अहमद अमर रहे और योगी मुर्दाबाद के नारे लगे थे।